Mamta Kishore. I'm founder and managing partner of KGN Dreams Entertainment. So our company is an event and an entertainment company. Like, we organize beauty pageants, fashion shows, and then we are into production, and we do award shows, and we are into a lot of expansions. So today we have gathered here to launch our fashion runway and our beauty pageant. Before that, I would like to introduce my team. And this is Riyan Sharma, my partner. And we both are show directors, show organizers and curators. And he's Yash Shalar. And Yash Shalar is a runway director. So he's going to choreograph our entire fashion runway as well as beauty pageant. And he's Suraj Kote. He's our management and branding consultant. So this is our team. ये हमने अभी टेंटेटिव डेट मई 6 को रखा है फैशन रनवे का एंड ब्यूटी पैजेंट का जून 24 एंड ऑडिशन विल बी समवेयर बिटवीन अप्रैल और मई. नहीं, हमारा स्पेशलिटी यही है, इसमें नो एज बार, वेट, कलर या किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है. ओनली ब्यूटी पैजेंट इज फॉर वुमेन, बट एज वेल एज फैशन रनवे इज कंसर्न, इट इज यू नो देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, मिस, मिस्टर, मिसेस, एलजीबीटी प्लस, प्लस साइज, एंड इवन वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी दैट इज दिस टाइम वी हैव दिस इंक्लूजन ऑफ सीनियर सिटीजन. क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमसे पूछ रहे थे, हम भी फिट है, हमें भी पैशन है, तो वाई कांट वी वॉक द रैम. सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड और हु हैज अ पैशन टू वॉक द रैम आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट. एज नहीं, 80 भी हो सकते हैं, एज नो बार, वेट नो बार, कलर नो बार, नो डिस्क्रिमिनेशन. सीनियर सिटीजन 60 प्लस ही है. 60 प्लस ही है तो सीनियर सिटीजन ना इंक्लूड करें. सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सारे मेरे मीडिया भाइयों का. थोड़ा सा विजन के बारे में हम बात कर लेते हैं. जो हमारा केजीएम का विजन है, विजन यह है कि ऐसे लोगों को एक जगह, एक मंच पर इकट्ठा करना, जो लोग जिनके पर पैशन है, जो अपने टैलेंट, जो हिडन टैलेंट को स्टेज पे लेके आना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना एक प्रेजेंस मार्क कराना चाहते हैं, ये जो मंच है ये उन लोगों के लिए है. और एक्सपेंशन जो हमारा, हम बात करते हैं हमारे ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स की भी, क्योंकि हमारा फैशन रनवे के साथ हमारा ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स भी है. तो ये अवार्ड उन सभी कैटेगरीज के लिए है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मीडिया या हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे. तो किसी भी कैटेगरी के, किसी भी एंटरटेनमेंट हो, सोशल हो, या किसी भी क्षेत्र में लोग काम जो भी कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए ये एक हमने अवार्ड सेरेमनी रखी है. बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बहुत ही, हमने इस बारी इस चीज़ के लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि पूरा फिल्टर करके हमारी टीम है उसके लिए, जो कि इनका प्रोफाइल, जो वो लोग बोल रहे हैं उनका पूरा पूरा बायोडाटा हमारे पास आएगा, वो पूरा बैकग्राउंड उनका चेक होगा कि वो बोल क्या रहे हैं और वो एक्चुअली सच है कि नहीं, है ना, कुछ पैडिंग अप नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है कि नहीं. तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सम्मान करना हम चाहते हैं, ये हमारा एक पहल है. कहीं के भी, ऑल ओवर पैन इंडिया, कहीं से भी हमारा नॉमिनेशन इसमें होगा, वो हमको अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, फिर हम उसमें फिल्टर करेंगे, उनके प्रोफाइल को चेक करा जाएगा, उस तरीके से हमारा एक ये नॉमिनेशन प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी. हाँ, ये हम सोशल मीडिया वगैरह जितने भी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर एक हमारा गूगल फॉर्म है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, हमारे फैशन रनवे के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजेंगे, तो उसके बेसिस पे हम आपका सिलेक्शन करेंगे. और ये जो हमारी टीम है, यश हैं, है ना, रनवे डायरेक्टर, तो क्योंकि मॉडल्स को बहुत वॉक कराते, तो इनका एक क्या बोलते, एक पार्क की नज़र होती है ना,
तो वो है कि उसको कैसे लेना है मॉडल, वो प्रेजेंटेबल लगे, सब चीजें लगे, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे दिखेंगे तो अच्छा रहे। मेरा एक मानना है कि सीखने के लिए कोई एज नहीं रहती, ठीक है। इंसान हमेशा लाइफ में स्टूडेंट ही रह के रहता है, तो हम सिखाने के लिए है। जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको बांटूंगा, और कविता जी के साथ मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और उनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है रियांश भाई का। सो इन्होंने जो केजीएम ड्रीम एंटरटेनमेंट जो लाइन अप किया था हम लोग ने, जो 3-4 साल पहले, तो अभी वो बहुत हाई लेवल पे गया है। तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और जो भी मॉडल्स आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो वो सीखने के हिसाब से आते हैं। सो ऑब्वियसली वी डोंट डीमोरलाइज देम, वो वहाँ पे स्कूलिंग करने नहीं आते, तो एनवायरनमेंट में वो खुश होके यहाँ से सीख के जाओ। मेरा ये मानना है कि अगर आप केजीएम ड्रीम्स में आप आ रहे हो तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप सब सीख के जाओ। सो मैंने इनके साथ 3 साल काम किया है, तो उनको भी पता है, तो मजा आता है काम करते करते। प्रोसेस जब घर जाते लोग तो हमेशा याद करते कि और 1-2 दिन और होना चाहिए था, तो बहुत मजा आता है, और सबके आशीर्वाद रहते, प्यार रहता है, तो और मजा आता है काम करने के लिए। अभी देखो ये इवेंट के लिए मैं एज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट और मैनेजमेंट ये जो पार्ट है वो मैं संभाल रहा हूँ। पिछले टाइम कविता जी के साथ केजीएम का जो पहला शो हुआ था अभी आइकॉनिक दीवा 2020 में, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था, जिसका ब्रांडिंग का काम मैंने किया था। तो ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि इवेंट को उसका ब्रांड डेवलप करना है, अपने इवेंट को एक बड़े लेवल पे लेके जाना, और जो उसका मैनेजमेंट पार्ट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इवेंट बोले तो एक मैनेजमेंट है। तो जैसे पिछले बार हुआ था, काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इवेंट हुआ, इंडिया लेवल का शो था, इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम हुआ। तो इस बार भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इस इवेंट का नाम पूरी इंडिया तक पहुँचे, कोने कोने तक जाए, और इसका जो मैनेजमेंट पार्ट होता है कि राइट फ्रॉम द डे वन आखिरी दिन तक इवेंट के जो मैनेजमेंट की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर सारी चीज़ें, तो अच्छी तरीके से हो, ये मैं इसका कोशिश करूँगा सारी चीज़ों करने के लिए। और कविता मैम का जो कहना था कि एक ये जो इवेंट है वो हमेशा एक थीम बेस्ड जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस ये उनका थीम था, तो ये काफ़ी अच्छा है कि एक सिर्फ फैशन शो करना और एक थीम बेस को लेके करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जैसे इस बार भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखते हुए सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, नए नए जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो उनका जो भी उनमें क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, वो सामने ला सकते हैं, और एक अच्छे लेवल पर उनका खुद का प्रमोशन भी कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम एन एडवोकेट एंड एन MBA फाइनेंस कंसल्टेंट, सो माई फील्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस फैशन, बट बोलते हैं ना आई हैव पैशन फॉर फैशन, तो उसके वजह से मैं इस फील्ड में एंटर हुई। तो आई रियली हैव दैट क्रेज फॉर फैशन बचपन से, आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड आई यूज टू डू लॉट ऑफ थिएटर शोज एंड बहुत सारे शॉर्ट फिल्म भी किए हैं मैंने। तो पहली बार मैंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मिसेस इंडिया, तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तब से मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स देखा था उसके बाद, लेकिन वो मेरी पहली ब्यूटी पेजेंट थी, तो उसमें ना बहुत सारे चीज़ मुझे लगी कि होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो तब से मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अपना शुरू करूँगी और वहाँ पर जो जो कमियाँ थी वो मैं यहाँ पे पूरी करूँगी, उसके वजह से मैंने ये शुरू की है। एंड हमेशा हमारा जो पेजेंट रहता है या कोई भी शो रहता है वो एक कॉज के लिए रहता है। सिंस आई एम एन एडवोकेट एंड हैंडलिंग लॉट ऑफ वुमेन केसेस, मैंने सोचा ये कॉज रखना चाहिए, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि जितने भी हो, आई सी फ्रॉम लो क्लास टू लेके हाई लेवल पे, हाई सोसाइटी तक, सब सोसाइटी में ये कॉमन हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। कहीं केसेस सामने आती है, कहीं केसेस वो स्टेटस और सोसाइटी के फेयर की वजह से नहीं आती है। सो दिस इज यू नो वी क्रिएट अवेयरनेस, बेसिकली इट्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। यू शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डोमेस्टिक वायलेंस, इवन इफ यू आर सब्जेक्टेड यू शुड नॉट टॉलरेट इट, यू शुड कम आउट एंड स्पीक, यू शुड फाइट फॉर इट। देर इज नो नीड टू यू नो गेट सब्जेक्टेड, नो नीड टू टॉलरेट इट, दैट इज आवर मेन मोटिव। एक चीज जानना चाहेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स चल रहे हैं, तो
तो जो कंटेस्टेंट्स है वो आपके साथ क्यों जुड़े, क्या यूनिक आपकी तरफ से होने वाला है उनके लिए, तो किस तरह से क्या बताना चाहिए? हमारा क्या यूएसपी स्पेशलिटी यही है कि हम लोग यूजुअली पैजेंट्स में क्या होता है, 3 दिन का ट्रेनिंग होती है, वो 3 दिन जो ग्रूमिंग और स्टे देते हैं उसमें जो ग्रूमिंग होता है उतना ही होता है। बट हमारा ये सोचना है उस 3 दिन में कुछ नहीं सीख पाएंगे, आएंगे सजेंगे दजेंगे, वो जो भी है लाइक वॉक सीखेंगे, वॉक भी पूरी तरह नहीं सीख पाएंगे, कोरियोग्राफी सीखेंगे और फिर शो में अपियर होंगे। बट हमारा कोशिश यही है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, वेदर इट इज फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड देन योगा, देर वॉक, देर एटिक्वेट्स, एवरी थिंग, एवरी एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड विच इज वेरी नेसेसरी टू गेट ग्रूम्ड। ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम लोग ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके लिए पिछले शो में भी हमने करीबन तीन महीना ट्रेनिंग दी थी इस चीज के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। सो वो हमारा स्पेशलिटी है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा ये कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं ना वो इस फील्ड के नहीं है, वो हाउसवाइफ्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट भरपूर है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हमारा मोटिव इस कंपनी में उनको ट्रेनिंग देने का सिर्फ ये नहीं होता कि वो आए और हमारे ब्यूटी पेजेंट में वॉक करके या कुछ जीत के चले जाएं, नहीं, हमारी कोशिश यह है कि उनको एक बेहतर पर्सनैलिटी में डेवलप करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बाहर भी जाएं तो उनका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहे, उनके एटिकेट्स, उनकी पर्सनैलिटी शाइन करे, ये हमारा मेन मोटिव। इसलिए हमारा फोकस मेजरली ज़्यादा होता है, ना कि 3 दिन, हम 15 दिन, 20 दिन, इट डजेंट मैटर टू अस। जब तक हमें लगता है कि वो तैयार नहीं होते अच्छी जिंदगी के लिए, हम उनके साथ देते हैं और इसके बाद उनको एक्सपोजर भी मिलते हैं सब चीज़ों में, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिजिटल मीडिया में, OTT प्लेटफॉर्म्स में, म्यूजिक वीडियोस, एल्बम्स वगैरह। ये हमारी कोशिश होती है अपनी तरफ से उनको अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी दिशा देने के लिए। वो किस तरह से गाइडेंस होने वाला है और उनका जो करियर ग्राफ होता है उसको और बढ़ाने में किस तरह से? देखिए, हर पर्सनैलिटी की एक डिमांड होती है अपने आप से, ठीक है? तो पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप से क्या चाहते हैं। तो जब हमें ये पता पड़ता है, हम उनका एक काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत होती है हमारी, उसके बेसिस पे हम उनको गाइडेंस देते हैं, हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कोचिंग वगैरह देते हैं, सब चीज़ें होती हैं हमारा, जैसे वॉक का यश देखते हैं, है ना? तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से उनका क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको और उनके टैलेंट को जस्टिफाई करते हुए कि उनके अंदर अपनी क्षमता क्या है, उस चीज़ को हम बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा बुरा करना हो ना तो उसकी बड़ी क्षमता को बढ़ा दो, जो अच्छी क्षमता हो, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो वैसी डाउनफॉल हो जाएगा। तो हम अच्छे पॉइंट्स को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि उनका पर्सनैलिटी और शाइनी कर देते। एनरोलमेंट प्रोसीजर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरह से लोग एनरोल करेंगे? जैसे कि रियांश ने ऑलरेडी बता दिया है, सो वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड दैट विल बी लिस्टेड ऑन ऑल द सोशल मीडिया। तो वो उनको पहले वो फॉर्म फिल करना है अपने पर्सनल डिटेल्स देके, उसके बाद हम ऑडिशंस रखेंगे। ऑडिशंस में वी हैव जूरी पैनल हु विल सी, विल कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स एंड देन दे विल चूज द फाइनलिस्ट। दिस इज अबाउट द ब्यूटी पैजेंट। अवर फैशन रन में ऑल्सो वी हैव ऑनलाइन ऑडिशंस वेर इन दे यू नो सेंडर्स देयर वीडियो। तो उनका जो वॉक का वीडियो है, पहले तो उनका फोटोग्राफ्स भेजेंगे, फिर उनका वॉक का वीडियो भेजेंगे, वो सब स्क्रूटनाइज करके फिर हम मॉडल्स और शो स्टॉपर्स कैटेगरी बेस्ड हम सेलेक्ट करेंगे। आप सबको हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन सबसे भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये सिमरन है, एप्स्यूएल हमारी पैजेंट ग्रूमर है, जो हमारे संग एसोसिएट हैं, ग्रूमिंग पार्टनर। ये प्रियंका है, हमारी मैगजीन पार्टनर आइकॉनिक शक्ति, एंड जिग्ना देसाई हमारी एनजीओ पार्टनर। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करें। लीडिंग पैजेंट ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया है, जो फ्रॉम द एज ऑफ 5 टू द एज ऑफ 69 लेडीज को, लड़कियों को ट्रेन करती हैं, फेमिना मिस इंडिया, मिस इंडिया और ऑल मिसेज इंडिया पैजेंट्स के लिए। मैम यू
आई एम प्रियंका, आई एम फाउंडर ऑफ 1111 एडवर्टाइजिंग एंड आइकॉनिक शक्ति मैगजीन. वी आर एसोसिएटेड विद कविता एंड रियांश फॉर मैगजीन पार्टनर. सो वी आर गोइंग टू कवर देयर विनर्स, देयर टाइटल विनर्स, एंड वी आर सून गोइंग टू इंटरव्यू द फाउंडर्स कविता मैम एंड रियांश सर. दिस इज हाउ वी आर एसोसिएटेड विद देम. Well, this is Dr. Jigna Desai. I'm a spiritual coach and also founder and director of Gurukul Ek Nayi Disha Foundation. So basically, I'm a founder of an NGO, and I'm very happy to be associated with, you know, KGM. They are coming up with the addiction fashion runway actually. So I really feel, because they are coming with something different, they are into, you know, domestic violence. So हमारा भी यही है कि NGO के through हम वही लेके आ रहे कि we want women to come up. Basically, you know, helping the old age home. मैं चाहती हूँ कि हम इसके द्वारा old age home वालों को भी support करें. Women जो है या child education पे हम लोग हमारा जोर दें. So this is the way where we can associate and come together and, you know, grow together like that, helping that way. Thank you. Yeah. I'm really very glad कि I'm associated with Priyan Sharma and Kavita Kishore. अभी साल ही हुआ है हमारे association को. एंड प्रॉब्ली हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, क्योंकि हम एक पैजेंट ट्रेनिंग अकेडमी है. हम लोग लड़कियों को फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 69 लड़कियों को रैंप वॉक ट्रेनिंग, मेकअप एंड इंट्रोडक्शन Q&A पे ट्रेन करते हैं. सो डेफिनेटली हर पैजेंट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एक ग्रूम्ड लड़की. सो विच आई थिंक हम लोग उनको देने वाले हैं. एंड अफकोर्स वो लड़कियों का डेफिनेटली फ्यूचर बहुत बेटर होने वाला है विद दिस पर्टिकुलर पैजेंट, आई एम श्योर. थैंक यू. सो वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद कविता एंड रियांश as magazine partner, because their motive behind doing this fashion runway is to support women and to help them who are facing domestic violence. And being a magazine, we are also a supportive hand for women, because we have covered almost 100 plus women's for their stories. So this is a special reason to get associated with KGM Entertainment, and I am very thankful to them. Thank you. या जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद भी चाहती हूँ कि लोगों को हेल्प करूँ. सो वैसे ही कविता जी एंड रियांश का भी मेन मिशन या मोटिव यही है KGM के पीछे, यू नो, टू हेल्प द पीपल. और हमारा दोनों का मकसद एक्चुअली एक ही है. सो इट्स अ बिग वे, यू नो, टू कोलैबोरेट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर फॉर हेल्पिंग पीपल, यू नो. वैसे थैंक यू. We are extremely happy to announce our expansion. We are getting into wedding planning. So we have a sister concern company, Rainbow 9 Events, led by Nishit and Vaibhav. So we are happy to introduce our wedding planner partner with our company. और बाकी अपने बारे में निशित बेहतर बता पाएंगे. Hello everyone. बेसिकली आई एम द को फाउंडर ऑफ रेनबो 9 इवेंट्स. एंड बेसिकली हम इस इंडस्ट्री में तकरीबन 9-10 साल से हैं, एंड वी आर लीडिंग वेडिंग कंपनीज, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स इन इंडिया. वी ओनली स्पेशलाइज इन टू वेडिंग्स. सो यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दैट, यू नो, वी आर कोलैबोरेटिंग विद KGM ड्रीम एंटरटेनमेंट्स, एज यू नो दे आर वेल एक्सपांडेड इन द मार्केट. सो दिस एक्सपांशन वुड डेफिनेटली ब्रिंग मोर ग्रोथ टू द वेडिंग इंडस्ट्री एंड द इवेंट इंडस्ट्री. Yeah, so basically we are happy to collaborate with KGM. So I would say let's do this KGM dreams into reality and create some colorful memories with Rainbow 9 events. Absolutely. See, basically we are specialized only into wedding planning. So starting from venue suggestions to the thank you hampers, we plan everything in and out. So as far as specialization is concerned, so we are specialized into each and everything in very detailing. So associating with them would help us to get the HNI clients and to turn their dreams into realities as far as wedding planning is concerned. The very quick permission to flower tak everything you name it, we have it. Caste koi bhi ho, we are not bound with any caste, religion or anything. We are here to create a colorful memories to all the people who are going to get married. इस एसोसिएशन का जो मेन आइडिया है क्या है कि अमूमन जो वेडिंग्स होती हैं बहुत ही एक प्लेन वेडिंग होती है. वेडिंग भी बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है.
सो हमारा जो एसोसिएशन है, हमारे आइडियाज और इनका एग्जीक्यूशन दोनों साथ में मिलके कुछ नयापन लेके आना इस इंडस्ट्री में. सो ये दिस इज आवर मेन मोटिव एंड मेन आइडिया बिहाइंड द कोलैबोरेशन एंड वी आर वेरी हैप्पी. वी आर लाइक माइंडेड पीपल एंड हैप्पी टू वर्क टुगेदर. हम लोग पहले शुरू किया था ब्यूटी पैजेंट से, वहाँ से अभी फैशन रनवे, फिर अवार्ड्स एंड देन वी आर इनटू प्रोडक्शन आल्सो. हम लोग बहुत जल्दी प्रोड्यूस भी करने वाले हैं. सो दिस इज अनदर एक्सपेंशन एंड वी फील वेरी वेरी प्राउड बिकॉज एक कंपनी शुरू हुई थी एक छोटे स्केल में, मतलब 3 साल में हमने इतना ग्रो कर लिया. इट्स वी आर थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल आर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी हु सपोर्टेड अस इन दिस जर्नी. एंड टुडे आई एम रियली फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड. आई एम थैंकफुल टू गॉड, दैट्स व्हाट आई कैन से. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो प्लीज्ड एंड इट्स आर प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद देम बिकॉज दे हैव देयर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड एंड वी हैव आवर आइडियाज एंड क्रिएटिविटी. दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. सो ये दोनों चीजें मिलकर बहुत बढ़िया करने वाले हैं इस फील्ड में. प्रोडक्शन की मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा. अच्छा हुआ कविता ने ये मेंशन कर दिया. तो यहाँ से हम जो शुरुआत करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म्स, उसके बाद एल्बम्स, उसके बाद हम OTT प्लेटफॉर्म पे पिच कर रहे हैं. तो ऐसे धीरे धीरे एक्सपेंशन. हमारा आइडिया ये है कि हमारे कंपनी के अंदर से जो टैलेंट निकले उसको कहीं और जाके अपना टैलेंट या कुछ खोज करने की ज़रूरत ना पड़े. हम उसको एक पूरा कवर दें कि आप आइए, सीखिए, अपना टैलेंट को ग्रूम कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए और अपना टैलेंट को सीधा जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं वहाँ पे दिखाइए. कलाकार कोई भी हो, डजन मैन. तो ये मिसेस अनिशा पुरस्वानी है. शी इज अ सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर एंड शी वॉज एसोसिएटेड विद अस फॉर लास्ट सीजन ऑल्सो, दैट इज मिस एंड मिसेस इंडिया आइकॉनिक दिवा season 1. So again she is back with us associated and she's on board and we are it gives us immense pleasure to always work with her. She's a fabulous person. Apart from designer, she's a wonderful human being also. So this time also she's associating with us for Addiction Fashion Runway as well as our beauty pageant, that is Miss and Mrs. India Iconic Diva season 2. And Anisha will introduce herself. Yeah, thank you so much for the wonderful introduction, Kavita. And I'm glad to be again associated with KJM Dreams Entertainment and Riyan Sharma and Kavita Kishu. I was there connected with them in season 1. I would be glad to be a part of season 2 and the Addiction Runway, Fashion Runway also. So looking forward. And I hope many will be joining us for this pageant and runway also, because I feel the KJM Dreams Entertainment, I can say only one thing, that they believe in actions rather than in words. And they give you whatever they promise. And that's the reason I'm today again here with them, supporting them and encouraging them for the whatever work they are going to do. And I'm sure that they are going to rock it like the season 1. Thank you so much for having me. चीज है कि जो उनकी कलेक्शंस होती हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं, बहुत ही कलरफुल रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं. तो इस बारी मैं अनीशा जी से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज न्यू इस बारी, क्या ब्लास्ट होने वाला है? डेफिनेटली एज़ द समर इज अप्रोचिंग, द कलेक्शन विल बी इन द पेस्टल शेड्स एंड वी आर गोइंग टू गिव द डिफरेंट स्टाइल्स टू ऑल द those who are participating in, and this time also it will be colors, but it will be the light colors, the pastel collections, and we are going to give them that it should look like a dream come true when they are wearing all the outfits. It will be like fairy tale you will see on the stage. Thank you. Okay, thank you. हैं ये शॉर्ट फिल्म्स हैं, वीडियोस हैं, और आगे जो OTT प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मेरे जो कोर टीम मेंबर हैं, उसमें मनीष भूषण मिश्रा डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के. आगे आने वाले कुछ समय में हम इनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहे. तो ये हमारे संग एसोसिएट हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सालों से हम साथ में हैं. तो अब हमारा एक एसोसिएशन हो रहा है जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे.
है ना। तो मैं मनीष जी से बोलूंगा कि कुछ अपने बारे में बताइए और हमारा एसोसिएशन कैसा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आई नो यू वेरी वेल, लास्ट 8 ईयर वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड एंड लास्ट 10 ईयर वी आर टुगेदर एंड आई जस्ट इम्प्रेस विद हिज वर्क एंड ऑल्सो कविता जी एंड आई एम डूइंग जस्ट अ वीडियो एड्स बेसिकली एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द 3 प्रोजेक्ट्स साइन टू सम आर्टिस्ट बट नॉट इट्स अ कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ऑफ दैट सम आर्टिस्ट इज विद द एग्रीमेंट विद द एजेंसीज ऑलरेडी यू कैन सर्च मी मनीष भूषण मिश्रा ऑलरेडी हॉट स्टार एमेजोन एमएक्स पे मेरे हम पहले कहे कि अपने प्लेटफॉर्म प्रश्न द्वारा बनाने वाले हमारा कोलैबोरेशन जो है हमारा कोलैबोरेशन के साथ म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म फीचर के लिए ऑलरेडी हम लोग काम भी कर रहे हैं। एक शॉर्ट फिल्म पे हमारी वर्किंग जा भी चुकी है और एक म्यूजिक वीडियो पे भी हम लोग कर चुके हैं। तो आई एम एसोसिएटेड विद सम अदर म्यूजिक कंपनी तो वो भी चीजें हैं बट आई कांट रिवील द थिंग्स आल्सो दैट इज माय फोटो यस डेफिनेटली यू आर मीडिया पर्सन यू कैन सर्च आउट एनी।